हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही है। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कंट्रास्ट के बारे में, हमारी एक्सर फिल्म कंट्रास्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कॉन्ट्रास्ट क्या है। इसे हम फिल्म के अंदर देखते हैं कई बार कि इसका कॉन्ट्रास्ट कम है ज्यादा है, ताकि हमारी फिल्म एक्सर फिल्म अच्छे से अच्छा है, जिससे हम जो भी हमें डिजीज पता करनी है उसका अच्छे से हम एनालिसिस कर सकें। तो हमें कंट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रास्ट इसलिए जरूरी है कि आप एक्सर फिल्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सर फिल्म की जो प्रॉपर्टीज है, उसमें आप कंट्रास्ट, रिजोल्यूशन, नॉइस, इमेज आर्टिफैक्ट्स, काफी चीजें जो आप मेंशन कर सकते हैं। और कंट्रास्ट का कई बार अलग से स्पेशल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो समझते हैं कंट्रास्ट को। देखो कंट्रास्ट क्या है। डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन एडजेसेंट एरिया। हमारी जो भी एक्सर फिल्म है, ठीक है, मेरे पास फिल्म नहीं है, मैं आपको दिखा देता अभी। हमारे पास जो भी फिल्म है उसके जो पास वाले बिंदु हैं, बिल्कुल पास पास में, उनकी डेंसिटी के बीच की डिफरेंस को ही कंट्रास्ट कहते हैं। अब मैं जानता हूं आप लोगों को नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि मुझे भी जब पहली बार पढ़ा तो नहीं आया था। तो देखो पहले समझते हैं डेंसिटी वर्ड को, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए वीडियो, पर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। देखो पहले चीज जानते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि ब्लैकनेस, ब्लैकनेस समझे आप, एक व्हाइट और ब्लैक की जितनी ज्यादा आपकी रेडिएशन आएगी वो उतनी ज्यादा ब्लैक होगी। हमारी एक्सर फिल्म देखी है आपने, वो व्हाइट और ब्लैक के बीच होती है। तो जो व्हाइट और ब्लैक है वो ही क्या चीज है, व्हाइट और ब्लैक कलर डेंसिटी है। जहां ब्लैक दिख रहा है आपको, इसका मतलब यह है कि वहां एक्सरे बिल्कुल आके स्ट्राइक किए हमारी एक्सरे फिल्म पे और उसने ब्लैक कलर दिखाया। और जहां पे व्हाइट है वहां बोन है, मतलब एक्सरे बोन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, पेशेंट के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, वो आगे फिल्म तक आ ही नहीं पाई। तो ये जो कलर है ब्लैक एंड व्हाइट का, ये जो ब्राइट ये है ब्लैकनेस का, वो होती है हमारी डेंसिटी। अब देखो एक्सरे फिल्म के दो बिल्कुल पास पास पॉइंट है, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में हम आसानी से डिफरेंशिएट अंतर कर पा रहे हैं, किस चीज का अंतर, कि यार ये ब्लैक है ये व्हाइट है, या फिर ये हल्का ब्लैक है ये थोड़ा गाढ़ा ब्लैक है, तो वो चीज अंतर करना वो कहलाता है कंट्रास्ट। डिफरेंस इन डेंसिटी, जो दो पास के बिंदु है उनके बीच की डेंसिटी, उनके बीच की ब्लैकनेस के बीच के अंतर को डिफरेंट करना कि कितना ज्यादा है। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, मैं एक चीज देता हूं आपको, एक पूरा व्हाइट पन्ना है, ठीक है, व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर के बीच में मैं काला डॉट लगा देता हूं, तो आपको मैं बताता हूँ कंट्रास्ट के भी। एक तो व्हाइट पन्ने के बीच में काला डॉट लगा देता हूँ, और एक व्हाइट पन्ने के बीच में मैं थोड़ा येल्लो डॉट लगा देता हूँ। अब आप कॉन्ट्रास्ट किसके बीच ज्यादा होगा, व्हाइट और ब्लैक, हाई कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि तो जो एडजेसेंट बिंदु, जो पास पास के बिंदु है ब्लैक और व्हाइट के, उनकी जो ब्लैकनेस में है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस इन डेंसिटी कहलाता है कंट्रास्ट। मतलब जो हाई कंट्रास्ट की होगी, मतलब उनके पास पास के बिंदु है उनके बीच के कलर को आप अच्छे से मेजर कर पाओगे, या आप एक्सर फिल्म में देखकर बता सकते हो आप कि ये हाई कंट्रास्ट की या लो कंट्रास्ट फिल्म है। समझ में ये बात आपको। अगर आपको एक्सरे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, उसके अंदर नहीं दिख रही है आपको बोन और मसल में अंतर, तो आपको कंट्रास्ट बढ़ाने की जरूरत है। आगे हम जानेंगे क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं कंट्रास्ट को। देखो टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सारी चीजें लिंक है आपस में, इस लिंक को समझते चलना है धीरे धीरे। तो आपको पहली चीज समझ में आपको डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी, ठीक है। अब चीज आते हैं आगे, ये चीज हमने समझी कि जो तू एक्सर फिल्म की जो दो पास के बिंदु है उनकी ब्लैकनेस के अंतर को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, लेकिन वो अंतर आया कैसे। हमारी एक्सर फिल्म ये है, आगे पेशेंट होता है पीछे फिल्म होती है, तो इस फिल्म के ऊपर जो अंतर आ रहा है ब्लैक और व्हाइट का, वो किस वजह से आ रहा है, वो आ रहा है पेशेंट की वजह से। क्योंकि जो एक्सरे ट्यूब है, अब समझना यहां से, तीन स्टेप में आपको चीज बताऊंगा। पहली स्टेप में एक्सरे निकली एक्सरे ट्यूब से, वहां पे तो सारी सेम थी, समझ में आपको, सारी सेम रेडिएशन थी, लेकिन जैसे ही पेशेंट से टकराई, पेशेंट के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट है, बोन है, मसल है, वाटर है, एयर है, अलग अलग चीजों से टकराई और बाद में पेशेंट के पीछे आई, तो
तो हम जानते हैं बोन ने अब्जॉर्ब कर ली होगी, हवा ने जाने दिया होगा, मसल ने कुछ अब्जॉर्ब की होगी, तो पीछे जैसे ही टकराई, टकराने के बाद उसने ब्लैक और व्हाइट की शेडो में हमारी एक्सरे को डिजाइन किया और उस पास पास के बिंदुओं के बीच के अंतर को हम कॉन्ट्रास्ट कह रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट इस लाइन से आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। सेकंड लाइन भी पढ़ो एक बार, डिफरेंस इन एक्सरे इंटेंसिटी, डिफरेंस इन एक्सरे इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू पेशेंट। एक्चुअली में अगर हम ध्यान से देखें इसको तो हम ये पाएंगे कि जो आपको ब्लैक और व्हाइट के बीच का अंतर जिसे हम कॉन्ट्रास्ट कह रहा हूं मैं, वो अंतर इसलिए आया है क्योंकि जो एक्सरेज है बाहर से सेल निकली थी, लेकिन पेशेंट से इंट्रैक्ट करने के बाद जो बाहर निकली है डिटेक्टर पे, फिल्म पे, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न इंटेंसिटी की थी। उनकी एनर्जी अलग अलग थी, अलग अलग एनर्जी के कारण उन्होंने अलग अलग कलर प्रोवाइड किया ब्लैक और व्हाइट के बीच में। जो 1024 कलर है ना इस ग्रे शेड के अंदर, वो कलर दिया इसने। तो डिफरेंस इन एक्सरे इंटेंसिटी, एक्सरे इंटेंसिटी में डिफरेंस जो पेशेंट के बाद आया, ट्रांसमिटेड थ्रू पेशेंट। आई आपको बात समझ में, कॉन्ट्रास्ट की थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बताया जाए कि फिल्म है कॉन्ट्रास्ट क्या है इसमें बताओ, तो आप बता सकते हो कि जो भी इस पूरी फिल्म में कहीं पे भी दो बिंदु उनके बीच के कलर को आप डिफरेंट करना कि यार ये देखो हल्का ग्रे है, ये थोड़ा गाढ़ा ग्रे है, ये ब्लैक है, ये हल्का सा व्हाइट है, उन दोनों के बीच के अंतर को हम एग्जैक्ट देख पा रहे हैं, वो कॉन्ट्रास्ट है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। तो ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, अब आप खुद दिमाग लगाओ। हमें एक ऐसी इमेज चाहिए जहां पे हमें बिल्कुल पास पास के बिंदुओं के बीच के कलर को अच्छे से हम पता लगा लें। एक एग्जांपल से चीज समझते हैं, ठीक है, कि किन किन चीजों पे डिपेंड करती है चीजें। डिपेंड केवीपी, एटॉमिक नंबर, शेप एंड डेंसिटी, डबल डिमेंशन, एक एक करके समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट बनना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि और बहुत सी चीजें कनेक्ट होके पता चलेंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने चार चीजें लिखी है, हमारी बॉडी में मेजरली यही होती है, बोन, मसल, आपका वाटर, एयर, चारों की डेंसिटी। मैंने डेंसिटी लिखी है यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बोन की 1.7, मसल की 1.03, वाटर की 1 और एयर की 0.1, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि इनके ऊपर मैं पेशेंट हूं, सामने से सेम एनर्जी की रेडिएशन आ रही है, मतलब 30 KUP की सबके ऊपर सेम आया, लेकिन 1 सेंटीमीटर के अगर मैं इनकी रेंज रखता हूं, 1 सेंटीमीटर में बोन की चौड़ाई रखता हूं, 1 सेंटीमीटर में एयर की रखता हूं, 1 सेंटीमीटर मसल की, तो 30 KUPA की रेडिएशन आई, तो इनकी इंटेंसिटी, तो मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। अगर ये बोन पे टकराएंगी, मैं इसकी 5 मान के चल रहा हूं, ये नंबर है, इसको इंटेंसिटी के रूप में देखो, ठीक है, अगर 5 यहां पे एनर्जी की इंटेंसिटी की रेडिएशन आती है बोन से टकराती है, तो केवल एक ही बाहर निकलने के चांस है, मसल के अंदर 2, वाटर के अंदर 3 और एयर के अंदर 4-4.5 पूरी एनर्जी बाहर निकल जाएगी क्योंकि रुकेगी नहीं। तो ये किस कारण हो रहा है, बोन पे जैसे ही रेडिएशन इंटेंसिटी आ रही है वो सारी इसमें अब्सॉर्ब हो पा रही है और बहुत कम बाहर निकल रही है, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे यहां पे कम निकलेगी तो ये जो कलर प्रोवाइड करेगी वो व्हाइट कलर प्रोवाइड करेगी, ये व्हाइट होगा, ये एयर बिल्कुल ब्लैक होगा और जो मसल और वाटर है ये आपके ग्रे शेड के होंगे। तो आप इस चीज को समझो कॉन्सेप्टली कि बाहर से इंटेंसिटी समान आ रही है लेकिन बोन, मसल, वाटर, एयर से टकराने के बाद इनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो गई है। देखो इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, लेकिन आई सामने 5 थी, आगे से 5 आई थी, बाहर सबकी अलग अलग हो गई है। और इन इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी इमेज बनाती है, ये इंटेंसिटी जाती है हमारी एक्सरे फिल्म पे, और एक्सरे फिल्म पे जो AGBR होता है उसको इस तरह कन्वर्ट करती है, फिर हम उसको अगर डिजिटल रेडियोग्राफी है तो मैथमेटिकली एल्गोरिथम से सॉल्व कर देते हैं, और जो आपकी कन्वेंशनल बहुत पुरानी वाली स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी है उसमें हम डार्क रूम के प्रोसेसर से इसको ब्लैक एंड व्हाइट के शेप में हम दे देते हैं। तो आप ये चीज समझने लायक है कि डेंसिटी एक पहली चीज, अगर कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, बोन की डेंसिटी ज्यादा होती है
मसल की कम, इसकी कम, इसकी कम, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। दूसरी चीज डिपेंड करती है आपकी बॉडी पार्ट की लेंथ कितनी है। कुछ बॉडी पार्ट, अगर कोई पेशेंट है उसका बोन की साइज बड़ी है या फिर लंग्स की साइज बड़ी है तो उसको ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिए होगी इमेज बनाने के लिए, तो आप पेशेंट की लेंथ के ऊपर भी शेप एंड साइज देखो, उसमें लिख रखा है शेप। पहले से बात करते हैं केवीपी, एक 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 समझ लेते हैं फटाफट। केवीपी पे डिपेंड कैसे करता है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब हमें डिफरेंस करना है दोनों के कलर को। अगर मैं इस 30 को 100 कर देता हूं, केवीपी बढ़ाया मैंने, मान लो यहां पे इमेज मिल ही नहीं रही मुझे, बिल्कुल सेम 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 सी मिल रही है या फिर बहुत ज्यादा वो आ रहा है डिफरेंट, तो केवीपी बढ़ाता हूं मैं, तो जो यहां पे एक निकल रही ना बाहर, यहां से दो निकलने लग जाएगी, यहां पे दो की जगह तीन। जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसकी पार करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा पार करने की क्षमता बढ़ेगी वो टकरा के फिल्म को कॉन्ट्रास्ट देगी, कलर्स देगी। तो एक केवीपी एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इंट्रेक्शन बढ़ेगा, इसलिए तो एटॉमिक नंबर का ही तो फंडा है, तभी तो हम बेरियम और आयोडीन यूज करते हैं एज ए कॉन्ट्रास्ट, ताकि बेरियम 56 है, आयोडीन 52 है, तो क्या क्यों यूज करते हैं इसको, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई है, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। और आगे और बातें करेंगे इसके बारे में, अभी शॉर्ट में समझते हैं चीजों को। शेप आपको बताई थी, पेशेंट की शेप, बोन की शेप, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट अलग अलग आएगा। आपने देखा होगा कि जहां पे बोन होती है वहां पे व्हाइट होता है, जहां पे एयर होती है वहां ब्लैक होता है, जहां लीवर वगैरह होता है यहाँ पे हल्का ग्रे शेड होता है, वो क्यों होता है, शेप के कारण, अलग अलग शेप के कारण अलग अलग कलर प्रोवाइड कराया जाता है, तो शेप भी आपके कॉन्ट्रास्ट को डिफाइन करेगी पीछे। डेंसिटी आपको बताई थी मैंने कि जिसकी ज्यादा डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना वो कम एनर्जी पास आउट करेगी, उतना वो व्हाइट कलर देगी। अब यहाँ एक छोटा सा डबल इमल्शन, अगर हमारी फिल्म डबल इमल्शन है तो वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट को भी इमेज के रूप में कन्वर्ट कर देगी, तो उससे अच्छी इमेज मिलेगी, अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, क्योंकि एक ही फिल्म में एक इमल्शन हो तो उसमें इमेज बनाएगी, डबल इमल्शन हो तो डबल इमेज, एक ही बिंदु की अच्छे से इमेज मिल पाएगी हमें पास 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 एरियाओं की, तो हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। तो ये था कॉन्ट्रास्ट थोड़ा रेडियोग्राफी के अंदर, और भी बहुत चीजें बची हैं, आगे की वीडियोस में जानेंगे एक एक करके। थैंक यू सो मच गाइस।